हेलो स्टूडेंट, टुडे वी शैल स्टार्ट अवर चैप्टर 3 फ्रॉम ज्योग्राफी. द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द रिसोर्सेज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. अवर बायोस्फीयर कंटेन बोथ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. हमारे बायोस्फीयर में दोनों चीजें हैं, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ. सबसे पहले नेचुरल वेजिटेशन क्या है? नेचुरल वेजिटेशन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेचुरल रिसोर्स है अर्थ का. एंड नेचुरली ग्रोन प्लांट्स, जो प्लांट्स और ट्रीज जो हैं वो नेचुरली खुद जो ग्रो हो जाते हैं, दैट आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन. क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड एडॉप्टेबिलिटी. वाइल्ड लाइफ शोज ए क्लोज रिलेशन विद क्लाइमेट एंड वेजिटेशन. जो वाइल्ड लाइफ है उसका बहुत ही क्लोज रिलेशन होता है किसके साथ? क्लाइमेट के साथ और वेजिटेशन के साथ. कुछ एनिमल जैसे कि डियर है, एंटीलोप है. एंटीलोप होता है, एक टाइप ऑफ डियर ही होता है. ये जो है ड्रायर ग्रासलैंड में रहते हैं, जबकि एलिफेंट है, मंकी है, क्रोकोडाइल है, ये वेटर फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं. ये दस डिफरेंट क्लाइमेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड शोज वेरिएशन इन टर्म ऑफ प्लांट एनिमल लाइफ. एज यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन जोन एंड देयर वाइल्ड लाइफ. लेट्स नाउ रिकॉल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बायोमी फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड अदर वेजिटेशन टाइप एंड द काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ फाउंड इन ईच. हम रिकॉल करेंगे बायोमी फॉरेस्ट के बारे में. बायोमी फॉरेस्ट क्या है? कम्युनिटी ऑफ प्लांट होती है दैट हैव कॉमन करेक्टरिस्टिक. फॉरेस्ट जो है इट इज एन एक्सटेंसिव एरिया ऑफ लैंड कवर्ड मोस्टली विथ ट्रीज. एक एक्सटेंसिव एरिया लैंड का जहां पर मोस्टली ट्रीज ही होते हैं, दैट ग्रो मोस्टली इन एरियाज ऑफ हैवी रेन जहां पर होती है वहां पर अक्सर ये पाए जाते हैं. मेजर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ऑफ अर्थ आर डिस्कस ब्लो. हम इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है? एक्सट्रीमली हॉट एरिया में पाया जाता है. फॉर्म द एरिया बिटवीन टू ट्रॉपिक्स, जो टू ट्रॉपिक्स के बीच में पाया जाता है. दीज फॉरेस्ट आर वेल नोन इन द एरिया नियर द इक्वेटर क्लोज टू ट्रॉपिक्स. मेनली दे आर फाउंड इन अमेजॉन बेसिन, जेरा बेसिन, वियतनाम एंड इंडोनेशिया एटसेट्रा. इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की करेक्टरिस्टिक क्या है? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. इन्हें हम और क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं. दीज फॉरेस्ट जो है रिक्वायर्ड हॉट क्लाइमेट. इनको कैसी आवश्यकता होती है? हॉट क्लाइमेट की. एबंडेंट रेन, इनको कम बारिश की आवश्यकता होती है थ्रू आउट द ईयर. ट्रीज ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट आर टॉल. इनके पेड़ जो होते हैं वो बहुत ही टॉल होते हैं. रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर और पूरा साल हरे रहते हैं. दीज ट्रीज हैव थिक कैनोपी विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द सन टू रीच द ग्राउंड. और ऊपर जो होता है इनका बहुत ही थिक पार्ट होता है, कैनोपी जैसे, ऊपर से सारे इतने घने कि नीचे सन रेज ना जा सके. तो सन जो है वो अर्थ तक, ग्राउंड तक इजिली पहुंच नहीं पाती. देयर ग्राउंड रिमेन वाटर लॉस. और उनके जो ग्राउंड होते हैं वो हमेशा वाटर से भरे रहते हैं. इन ब्राजील में इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं और जिसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ्स आर ऑफन टर्म्ड एज लंग्स ऑफ द अर्थ. उसे लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं. ये एक दिया हुआ है पिक्चर, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का पिक्चर. नाउ वी शैल रीड अबाउट द वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ ऑफ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. हार्डवुड ट्रीज लाइक एबोनी, माहोगनी, रोज वुड एटसेट्रा आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनमें ये प्लांट्स पाए जाते हैं. वाइल्ड लाइफ वहाँ कौन सी पाई जाती है? एप्स है, स्नेक्स, लिजार्ड, मंकी, क्रोकोडाइल, एलिफेंट, पाइथन एटसेट्रा. ये यहाँ पर जो है वाइल्ड लाइफ पाई जाती है. ट्रॉपिकल डेसीड्यूस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल डेसीड्यूस फॉरेस्ट जो है दीज आर फाउंड इन नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया. कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में, सेंट्रल अमेरिका में एंड इन लार्ज पोर्शन ऑफ इंडिया. इंडिया के भी लार्ज पोर्शन में पाए जाते हैं. नाउ वी शैल स्टडी अबाउट द करेक्टरिस्टिक ऑफ दीज फॉरेस्ट.
ये क्या है, दिस फॉरेस्ट आर अफेक्टेड बाय द सीजनल कॉन्ट्रास्ट ऑफ मॉइस्चर एंड सन हीट। ये अफेक्टेड होते हैं जो सीजन होता है मॉइस्चर का या सन का, उससे वो अफेक्टेड होते हैं। ट्रीज आर ऑफ दीज फॉरेस्ट शेड दियर लीव्स इन ड्राई सीजन। पता है ड्राई सीजन में ये पेड़ अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं। दीज फॉरेस्ट हैव ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू। इनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत होती है बिकॉज वुड ऑफ दीज ट्रीज इज यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट एक्सेट्रा। और इनकी जो वुड है इन फॉरेस्ट की, इसका यूज होता है फर्नीचर में, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट में भी इसकी आवश्यकता होती है। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। और इन फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं, मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। अब इन फॉरेस्ट की विजिटेशन कैसी होती है, विजिटेशन कैसी है, हार्डवुड ट्रीज लाइक टीक, नीम और साल, शीशम एटसेट्रा। ये जो दीज आर द नेम ऑफ द ट्री विच आर फाउंड इन डेसीडियस फॉरेस्ट। वाइल्ड लाइफ क्या पाई जाती है, लंगूर मंकी पाए जाते हैं, लायन टाइगर पाए जाते हैं, एलिफेंट पाए जाते हैं। ये दीज आर द मेन एनिमल ऑफ। नाउ वी शैल रीड अबाउट टेम्परेट डेसीडियस एंड मिक्स फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन एस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के एस्टर्न साइड में पाए जाते हैं। एंड दीज फॉरेस्ट हैव वार्म वेट समर एंड कूल मॉइस्ट विंटर। इनमें क्या है, वार्म वेट समर भी होती है और कूल मॉइस्ट विंटर भी होती है। आर टिपिकल इन द कूलर एरिया। जो मिक्स फॉरेस्ट होते हैं वो कूलर एरिया में पाए जाते हैं, नॉर्थ पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो हैव फॉरेस्ट ऑफ दिस टाइप। द ट्रीज इन दिस इन दीज फॉरेस्ट इंक्लूड ओक। यहाँ वेजिटेशन क्या क्या होती है, ओक, बीच, मैपल, फर्स, स्प्राउसेस एटसेट्रा। एंड टिम्बर है, रेसिन है, गम्स है, मेडिसिनल प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट। यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स। वी शैल रीड अबाउट मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन ऑन वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। ड्राई समर होता है वहां, कूल वेट विंटर भी पाया जाता है। ट्रीज हैव थिक बार्क, जो ट्रीज हैं उनकी थिक बार्क होती है, कूल वेट वैक्सी लीव्स होती हैं, डीप रूट टू मिनिमाइज ट्रांसपिरेशन। लॉरियल, लेवेंडर, कॉर्क ओक, ओलिव, फिज एंड मैटल आर मेन ट्रीज। दीज आर द मेन ट्रीज विच आर फाउंड इन वेट रीजन। एंड किट्रस फ्रूट, फिज, ओलाइव, कॉर्क, रेजिन, गम्स, दीज आर द मेन फॉरेस्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस एरिया। नाउ वी शैल रीड अबाउट टेम्परेट कॉर्निफेरियस प्लांट। दीज आर द फॉरेस्ट, दीज आर नोन एज टेगा एंड दीज आर टिपिकल ऑफ द कोल्ड टेम्परेट जोन। बहुत ही टेम्परेट जोन के ये फॉरेस्ट हैं। एंड बिटरली कोल्ड विंटर होता है वहाँ। स्नो फॉल ऑल द ईयर, स्नोफॉल होता है पूरे साल। नीडल शेप्ड लीव्स होती है वहाँ। शेप ऑफ द ट्रीज आर अडॉप्टेड ऑफ द क्लाइमेट टू द क्लाइमेट। टिम्बर इंडस्ट्री इज वेरी वेल डेवलप्ड, यहाँ टिम्बर इंडस्ट्री जो है बहुत डेवलप होती है। हेयर रेजिन, गम्स, नट्स, फ्लप्स, पेपर आर ऑल्सो वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ये जो है ये दीज आर वेरी वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट है। स्मॉल एनिमल्स विथ थिक फर कोट्स सच एज ऑप्सम, रॉकून्स, लेनेक्स एटसेट्रा आर सूटेड टू द गोल्ड। दीज आर द वाइल्ड एनिमल एज कोट्स है, ऑप्सम्स हैं एंड रिकॉन्स हैं। ये जो है फेमस यहाँ के एनिमल। नाउ वी शैल रीड अबाउट ग्रासलैंड। ग्रासलैंड, द ग्रास ग्रो एज नेचुरल वेजिटेशन इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। जहाँ थोड़ी थोड़ी कंटिन्यू रेनफॉल होती है वहाँ मोस्टली ग्रास जो है वो नेचुरल वेजिटेशन में आ जाती है। वी शैल स्टडी अबाउट द मेन टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड। फर्स्ट ऑफ देम इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल, दीज ग्रासलैंड आर फाउंड बिटवीन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड द ट्रॉपिकल डेजर्ट। ट्रॉपिकल डेजर्ट और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बीच में पाए जाते हैं, जहाँ क्लाइमेट वार्म रहता है ऑल द ईयर एंड हैज टू डिस्टिंक्ट रीजन। वेट एंड ड्राई, वेट भी रहता है, दो डिफरेंट सीजन होते हैं यहाँ, वेट एंड ड्राई। द
annual rainfall is from about 50 cm to centimeter to 130 cm. Rainfall is concentrated in 6 to 8 months of the year. जहाँ रेनफॉल 6 or 8 month होती है, followed by the period of drought, उसके बाद drought आता है. Thus, tall grass grow in these region. इसलिए इन रीजन में जो है टॉल ग्रास ग्रो हो जाती है. दे आर नोन एज द सावनांस. अ मेजर पार्ट ऑफ दिस ग्रास लैंड आर नाउ यूज फॉर फार्मिंग एंड लाइव स्टॉक रियरिंग. यहाँ पर जानवरों को पालने भी जानवरों को भी पाला जाता है, फार्मिंग भी होती है. सम एरियाज ऑफ दिस ग्रास लैंड हैव बिकम डिजर्ट ड्यू टू पुअर लैंड मैनेजमेंट. लैंड मैनेजमेंट जो नहीं हो पा रहा, इसके कारण आज जो है ये एरिया बेकार हो रहे हैं. शैल रीड अबाउट टेम्परेट ग्रास लैंड. दीज ट्रीलेस ग्रास लैंड आर सिचुएटेड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट. ये ट्रीलेस ग्रास लैंड है, अवे फ्रॉम द कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरिया से दूर है. वेयर द रेनफॉल इज नॉट इनफ फॉर द ग्रोथ ऑफ द ट्री. जहाँ इनफ रेनफॉल नहीं है, ट्री नहीं हो पाते. हाइट ऑफ द ग्रासेस डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. और हाइट जो ग्रासेस की है वो भी डिपेंड करती है रेनफॉल के ऊपर. टेम्परेट ग्रास लैंड जो है, दीज आर द नेम ऑफ द टेम्परेट ग्रास लैंड. कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये? जैसे प्रायरी बहुत ही फेमस ग्रास लैंड है नॉर्थ अमेरिका में, पंपास साउथ अमेरिका में, स्टीप्स यूरेशिया में, वेल्ट्स अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं. दीज ग्रास लैंड आर सुटेबल फॉर कैटल रेयरिंग एंड लार्ज स्केल कल्टिवेशन ऑफ वीट एंड. नेक्स्ट ऑफ द चैप्टर यू विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो.